हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, रियलमी ने एक नया ब्लूटूथ हेडसेट लॉन्च किया है जिसका नाम है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2। एंड अगर आप ये वीडियो 23 जुलाई को देख रहे हैं तो आज 12:30 से इस नए ब्लूटूथ हेडसेट का फ्लैश सेल है। सो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसा है ये ब्लूटूथ हेडसेट, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन एंड क्या आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं। सो अगर आप मन बना चुके हैं एक नए ब्लूटूथ हेडसेट परचेस करने का तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर आप इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें फॉलो कर लीजिए। हम वहां पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू दी वीडियो। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लिया है एंड ये है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2। देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बेसिकली ये एक नेक बैंड है एंड उसके नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि ये 23 जुलाई को 12:30 PM में लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप इस नए नेक बैंड को परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फर्स्ट लिंक क्लिक करके इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन यहां पर दिए गए हैं। तो इसमें मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ये बेसिकली वॉक प्लस AI नॉइस कैंसिलेशन है जिसकी वजह से जो नॉइजी वॉइस है उसे ये कट कर देता है एंड हमें क्रिस्टल क्लियर वॉइस सुनाई देती है। एंड कंपनी भी यही क्लेम करती है कि ये बेस्ट ANC नेक बैंड है जो अपने सेगमेंट में बेस्ट नॉइस कैंसिल करता है। एंड यहां पर हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि ये अप टू 25 dB नॉइस कैंसिल करता है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड देखते हैं कि क्या और स्पेसिफिकेशन यहां पर दिए गए हैं। तो इसमें मिलता है सोनी का LDAC हाई रिजोल्यूशन ऑडियो जिसकी वजह से हमें एक सुप्रीम क्वालिटी ऑडियो का यहां पर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी होगी। इसमें एक अच्छा नॉइस कैंसिलेशन दिया हुआ है, साथ में सोनी का LDAC हाई रिजोल्यूशन ऑडियो भी इसमें मिलता है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑडियो यहां पर आपको मिलने वाला है इस नए ब्लूटूथ हेडसेट में। तो अब नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या और स्पेसिफिकेशन यहां पर मिलते हैं। तो इसमें मिलता है 13.6 mm का बास बूस्टर ड्राइवर, तो बड़े साइज का ड्राइवर है जिसकी वजह से जो बास है वो बहुत ही अमेजिंग मिलने वाला है। बड़े हेडफोन जैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन अच्छा बास इसमें मिलने वाला है। आप देख सकते हैं 13.6 mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा 22 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम कर रही है लेकिन करीब 17-18 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप ये दे देगा एंड जो फुल चार्ज है ये 50 मिनट्स में हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये 10 मिनट्स के चार्ज में 12 घंटे का बैटरी बैकअप देता है जो मोर देन एफिशिएंट है एक ब्लूटूथ हेडसेट के लिए। इसके अलावा इस ब्लूटूथ हेडसेट में डार्ट चार्जर दिया गया है, वो भी फर्स्ट इन क्लास। अभी तक किसी भी वायरलेस ईयरफोन में डार्ट चार्जर नहीं दिया गया था, तो ये इस प्रोडक्ट का बहुत ही अमेजिंग बात है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या और स्पेसिफिकेशन यहां पर दिए गए हैं। तो इसमें मिलता है 88 ms का सुपर लो लेटेंसी जिसकी वजह से कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको सीमलेस एक्सपीरियंस मिलने वाला है, यानी कि अगर आप इसे पहन के गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो ब्लूटूथ हेडसेट में थोड़ा बहुत तो लैग होता ही है। गेमिंग के लिए ब्लूटूथ हेडसेट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हल्का सा भी लैग हमें उतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है। तो अगर आप गेमिंग के लिए एक अच्छा ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं तो आप वायर्ड परचेस कीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी लैग ना देखने को मिले। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें मिलता है 2 colors, एक है बास ग्रे एंड दूसरा है बास येलो। दोनों ही कलर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, लेकिन जो बास ग्रे है ये काफी ज्यादा गंदा होगा एंड जो बास येलो है ये बिल्कुल रियलमी के थीम पे बना हुआ है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो बास येलो परचेस कर सकते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। वैसे कलर आपके चॉइस के ऊपर है, आप चाहे तो कोई भी परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके और फीचर्स की बात की जाए तो इसमें मिलता है मल्टी डिवाइस स्विच, गूगल फास्ट पेयर और साथ में IPX5 वाटर रेसिस्टेंट है ये वायरलेस हेडफोन। तो बहुत ही अमेजिंग एक कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। साथ में रियलमी का लिंक ऐप भी है जिससे आप इस ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट करके बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। एंड साथ में अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है एंड इसका जो नेक बैंड है इसमें थोड़ा सा सिलिकॉन यूज किया गया है। एंड अगर बटन्स की बात की जाए तो
इसमें दिया गया है प्लस एंड माइनस बटन, पाउज बटन एंड एक पावर स्विच। जिस प्राइस पे ये हमें मिल रहा है उसमें बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, तो मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। अगर आप एक अच्छा नेक बैंड परचेस करना चाहते हैं तो आप ये रियलमी का बर्ड्स वायरलेस 2 परचेस कर सकते हैं। इसका बेस्ट वैल्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड दोस्तों, हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।